मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया। फ्रॉम लैंड्स में, लैंड्स में खेत। फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं। वी आर फिनिश्ड, हम खत्म हो गए हैं, हम तबाह हो गए हैं। मार्गरेट, मार्गरेट फिनिश्ड, मार्गरेट हम खत्म हो गए हैं, मार्गरेट हम तबाह हो गए हैं। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्न इन हाफ एन आवर, वो फकीर आधे घंटे में, इन हाफ एन आवर आधे घंटे में, वो फकीर आधे घंटे में खेत के हर पत्ते और पत्ती को खा सकते हैं। दोस बैगर्स मीन दोस लोकस्ट, वो टिडियां, ठीक है, बैगर्स मीन टिडियां, यहां वो टिडियां आधे घंटे में खेत के हर पत्ते और पत्ती को खा सकती हैं। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, पर अभी तो ये सफेद का आकाश है। इफ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम काफी धुआं पैदा कर लें, मेक इनफ नॉइस, और अच्छा खासा शोर पैदा कर लें, टिल द सन गोज डाउन, सूरज के गुरूब होने से पहले, अगर हम सूरज के गुरूब होने से पहले अच्छा खासा धुआं और शोर पैदा कर लें। देल, देल किसका कंट्रैक्शन है, दे विल, ओके, देल सेटल समवेयर एल्स, परहैप्स, परहैप्स मीन शायद, तो शायद वो कहीं और जाकर ठिकाना बना लें। अभी तो सपैर का आगाज है, अगर हम काफी धुआं पैदा कर लें, अगर हम सूरज गुरूब होने से पहले काफी धुआं और काफी शोर पैदा कर लें, तो शायद ये कहीं और जाकर ठिकाना बना लें। देखें इनफ, ठीक है, इनफ स्मोक, इनफ नॉइस, तो इनफ के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं, स्मोक इज अ नाउन, नॉइस इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, तो नाउन से पहले क्या लगाया जाता है, इनफ, और इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब इनफ से पहले लगाया जाता है। एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, तो फिर कोशिश जारी रखो। गेट द कैटल गोइंग, कैटल गोइंग का मतलब मुख्तलिफ अंदाज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, एक तो आप ये कह सकते हो कि कोशिश जारी रखो, या फिर घंटे बजाते रहो, नकारा बजाते रहो, घंटे बजाते रहो, ठीक है, या फिर रोजी रोटी का सिलसिला चलता रहेगा। गेट द कैटल गोइंग, रोजी रोटी का सिलसिला चलता रहेगा, तो इट्स बेटर टू ट्रांसलेट इट एज कोशिश जारी रखो, कीप ट्राइंग। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, और ये बड़ा मुशक्कत तलब काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है, ठीक है, थर्स्टी वर्क मीन लेबोरियस वर्क, मेहनत मुशक्कत तलब काम, और फिर कोशिश जारी रखो, ये बड़ा मेहनत तलब काम है, ठीक है बेटा। मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है, वो नहीं जानती थी। फिर खेतों में से बूढ़ा स्टीफन आया, हम तबाह हो गए हैं, मार्गरेट हम तबाह हो गए हैं। वो टिड़ियां आधे घंटे में हर खेत के हर पत्ते और पत्ती को खा सकती हैं, और अभी तो ये सपहर का आगाज है। अगर हम सूरज गुरूब होने से पहले ज्यादा धुआं पैदा कर लें, ज्यादा शोर पैदा कर लें, तो शायद ये कहीं और जाकर ठिकाना बना लें। और फिर कोशिश जारी रखो, और ये बड़ा मेहनत तलब काम है, टिड्डियों से जान छुड़वाना का काम जो है, दैट इज अ टफ जॉब। लुकिंग आउट, बाहर देखा तो ऑल द ट्रीज वर क्योर एंड स्टिल,
तमाम तरह का अजीब और साकेत दिखाई दे रहे थे। क्यू यू डबल ई आर क्योर मीन स्ट्रेंज ऑड अजीब, स्टिल मीन मोशनलेस साकेत साकेत, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, और ये टिड्डियों से भरे हुए थे। दिरबाउज बे टू द ग्राउंड, और उनकी शाखें जमीन पर ढकी हुई थी, जमीन पर झुकी हुई थी। बाहर देखा तो तमाम दरख्त अजीब और साके दिखाई दे रहे थे, उनके गिर्द टिड्डियों के बेतरतीब गुच्छे लिपटे हुए थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, उनके गिर्द टिड्डियों के बेतरतीब गुच्छे लिपटे हुए थे, और उनकी शाखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी, जमीन पर झुकी हुई थी। The earth seemed to be moving, जमीन हरकत करती हुई दिखाई देती थी। Locust crawling everywhere, हर जगह टिड्डियां रेंग रही थी। Crawling mean creeping, creeping, C-R, creeping, crawling का सिनोनिम क्या होता है ना? Creeping, crawling, creeping, हर जगह टिड्डियां रेंग रही थी। She could not see the lands at all, वो हरगिज़ जमीन को नहीं देख सकती थी। सो थिक वाज़ द सवाल, टिड्डियों का लश्कर इस कदर घना था कि वो जमीन को हरगिज़ नहीं देख सकती थी, बिल्कुल नहीं देख सकती थी। टूवर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ देखना ऐसे ही था। इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द ड्राइंग रेन, टूवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ देखना ऐसे ही था जैसा कि आप बारिश की तेज बौछाड़ को देख रहे हो। ड्राइविंग रेन, बारिश की तेज बौछाड़। इवन एज शी वॉच, यहां तक कि उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड, सूरज धुंधला गया था, धुंधला हो गया था, ऑब्सक्योर हो गया था, कंसील हो गया था, हाइड हो गया था। तो ब्लॉटेड का सिनोनिम क्या होता है? कंसील होता है, हाइड होता है, ऑब्सक्योर होता है। विद अ फ्रेश अनरश ऑफ देम, उनकी ताजा यलगार से, उनके ताजा हमले से। अनरश का मतलब होता है हमला, अटैक। कहते हैं कि पहाड़ों की तरफ देखना ऐसे था जैसा कि आप बारिश की तेज बौछार को देख रहे हो। यहां तक कि उसने देखा कि उनकी ताजा यलगार से, उनके ताजा हमले से सूरज भी धुंधला हो गया था। इट वॉज अ हाफ नाइट, आधी रात सी हो गई थी। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक बिगड़ी हुई तारीकी थी, एक मशकशुदा तारीकी थी या बिगड़ी हुई तारीकी थी। परवर्टेड, परवर्टेड का सिनोनिम होता है डिस्टॉर्टेड। परवर्टेड का सिनोनिम क्या होता है बेटा? डिस्टॉर्टेड। परवर्टेड का डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई, आधी रात सी हो गई थी, बिगड़ी हुई तारीकी थी। Then came a sharp crack from the bush, फिर झाड़ी में से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई। Crack mean तेज आवाज, bang। A branch had snapped off, एक शाख टूट गई। Snapped off का मतलब होता है टूट जाना, broken। Snapped off का synonym क्या बनेगा बेटा? Broken, एक शाख टूट गई। Then another, फिर दूसरी शाख टूट गई। A tree down the slope leaned over, ढलवान पर एक दरख्त झुका। Leaned over means झुकना, bent। क्या बेटा leaned over का synonym क्या होता है? What's the synonym of leaned over? Bent। ढलवान पर एक दरख्त झुका। And settled heavily to the ground, और धम से जमीन बोस हो गया। एक दरख्त ढलवान पर एक दरख्त झुका और धम से जमीन बोस हो गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, दरख्तों की बौछार में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। दरख्तों की बौछार में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बेटा इस पैराग्राफ में देखें, कहते हैं बाहर देखा तो तमाम दरख्त अजीब और साकेत दिखाई देते थे, ठीक है, और ये टिड्डियों से ढके हुए थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, इनके गिर्द टिड्डियों के बेतरतीब गुच्छे थे,
और उनकी शाखें जमीन पर झुकी हुई थी, जमीन हरकत करती हुई दिखाई देती थी, लोकस हर तरफ रिंग रहे थे। वो जमीन को बिल्कुल नहीं देख सकती थी क्योंकि टिड्डियों का लश्कर इस कदर घना था, कि वो जमीन को नहीं देख सकती थी। पहाड़ों की तरफ देखना ऐसे था जैसा कि आप बारिश की तेज बौछाड़ को देख रहे हो। यहां तक उसने देखा कि सूरज उनकी ताजा जलगार से धुंधला हो गया था, आधी राशि हो गई थी, बिगड़ी हुई तारीकी थी। फिर झाड़ी में से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई, एक शाख टूट गई, फिर दूसरी टूट गई। एक दरख्त ढलवान पर झुका, और ढंग से जमीन बोझ हो गया। टिड्डियों की बोछाड़ में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। All the crops finished, बेटा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थी जो पंक्चुएशन है पेपर में आ चुकी है। All the crops finished, तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, फुल स्टॉप, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, ही सेड, उसने कहा। तो ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, इससे पहले वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में चला जाएगा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घंटे अभी भी बज रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, तो आस्क के बाद क्या लगा हुआ है, कॉलन्स लगे हुए हैं, आप कामा भी लगा सकते हो यहाँ, ठीक है। व्हाई डू यू गो ऑन विद इट, कामा देन, तो फिर तुम ये सब को जारी क्यों रखे हुए हो, तमाम फसलें तबाह हो गई, कुछ भी नहीं बचा, उसने कहा। लेकिन घंटे अभी भी बज रहे थे, लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, तो मार्गरेट ने पूछा, अभी तुम ये सब कुछ क्यों जारी रखे हो। द मेन स्वार्निशन सेटलिंग, टिड्डियों का बड़ा लश्कर, बड़े लश्कर ने भी ठिकाना नहीं बनाया है। सेटलिंग मीन लैंडिंग, कहीं लैंड नहीं किया है। टिड्डियों के बड़े लश्कर ने अभी ठिकाना नहीं बनाया है। देयर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। देयर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड डे, वो ठिकाना बनाने और अंडे देने की जगह तलाश कर रहे हैं। सेटल होता है ठिकाना बनाना, ले होता है अंडे देना, लेट 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 अंडे देना, लेटना क्या होता है, लाइट ले ले लेटना, और झूठ बोलना लाइट 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 होता है। अच्छा बेटा, टिड्डियों का बड़ा लश्कर अभी ठिकाना नहीं बना रहा है, वंडों से भरे हुए हैं, वो अंडे देने और ठिकाना बनाने की जगह तलाश कर रहे हैं। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फॉर्म, अगर हम टिड्डियों के बड़े लश्कर को अपने खेत पर ठिकाना बनाने से रोक लेते हैं, दैट्स एवरीथिंग, तो ये बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर हम टिड्डियों के बड़े लश्कर को ठिकाना बनाने से रोक लेते हैं, तो हमने सब कुछ पा लिया, दैट्स एवरीथिंग, हमने सब कुछ पा लिया। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो हमारी हर चीज का सफाया हो जाएगा, ईटन फ्लैट सफाया हो जाएगा, विद हॉपर्स लेटर ऑन, जो बाद में टिड्डियों के बच्चे आएंगे। हॉपर्स मीन यंग इंसेक्ट्स, ठीक है बेटा। अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, तो बाद में आने वाले टिड्डियों के बच्चे हर चीज का सफाया कर देंगे, हर चीज को तबाह कर देंगे। He picked a stray locust off his shirt, उसने अपनी कमीज पर से एक भटकी हुई टिड्डी को उठाया। Stray mean wandering, and split down with his thumbnail, और अपने अंगूठे के नाखून से उसके दो टुकड़े कर दिए। स्प्लिट का मतलब होता है रिप करना, RIPPED, रिप, स्प्लिट का रिप, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना। It was clotted inside with eggs, ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी। Imagine that multiplied by millions, इसे लाखों से जरब देकर फर्श करो। You ever seen a hopper swarm on the march? क्या आपने कभी देखा है hopper swarm में टिड्डियों के बच्चों का लश्कर on the march, पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ते हुए? क्या आपने कभी टिड्डियों के बच्चों का के लश्कर को टिड्डियों के लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा है? वेल, अगर नहीं देखा है, यू आर लकी, तो आप खुश नसीब हो। क्या आपने कभी टिड्डियों के बच्चों को पेशकदमी करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आप खुश नसीब हैं। दिस इज वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है लश्कर जो टिड्डियों का?
इज इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है? आस्क मार्गरेट फेयरफुली. मार्गरेट ने खौफजदा होते हुए पूछा, खौफजदा होकर पूछा, क्या ये बहुत बुरा होता है? एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फैटिकली, और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं. दिस सवार मे पास ओवर, हो सकता है कि टिड्डियों का ये लश्कर गुजर जाए. बट वंस देव स्टार्टेड, देव, देव किसका कंट्रक्शन होता है? दे हैव का. देव स्टार्टेड, लेकिन एक मतलब अगर उन्हें आना शुरू कर दिया, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो वो शुमाल से आते रहेंगे. वन आफ्टर अनदर, एक गिरोह के बाद दूसरा गिरोह. हो सकता है कि टिड्डियों का बड़ा लश्कर गुजर जाए, लेकिन अगर इन्होंने एक मर्तबा आना शुरू कर दिया, तो फिर ये शुमाल से एक गिरोह के बाद दूसरा गिरोह आता रहेगा. ठीक है, एक टिड्डियों के लश्कर के बाद दूसरा टिड्डियों का लश्कर आता रहेगा. एंड देन देयर आर द हॉपर्स, और फिर टिड्डियों के बच्चे भी तो हैं. इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, और ये सिलसिला 2 से 3 साल तक चलता रह सकता है. फॉर द लॉर्ड्स से, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंग्रीली. मार्गरेट ने गुस्से से कहा, एंग्रीली नहीं, गुस्से से, फ्यूरियसली. मार्गरेट ने गुस्से से कहा खुदा के लिए, स्टिल हाफ क्राइंग, वो रोने वाली थी, वो रोने के करीब थी. व्हाट्स हियर इज बैड इनफ, जो कुछ यहां हुआ है बुरा हुआ है. इजंट इट, क्या बुरा नहीं हुआ है? हाँ जी, इजंट इट को कौन सा क्वेश्चन करते हैं? टैग क्वेश्चन. वेरी वेल देन, तो इजंट इट इज अ टैग क्वेश्चन. जो कुछ यहां हुआ है बुरा हुआ है, क्या नहीं हुआ है? फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, क्योंकि अगरचे शाम की फिजा ज्यादा सियाह और बोझल नहीं थी. थिक मीन बोझल, बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि वाजे नीली थी. विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें टिड्डियां, पैटर्न कहते हैं तरतीब को, पैटर्न. ये पेपर पैटर्न नहीं होता, इट्स पैटर्न. जैसे मॉडर्न नहीं होता, इट्स मॉडर्न, और इट्स मॉडर्न. आज नहीं पढ़ोगे ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में मॉडर्न और मॉडर्न और मॉडर्न, मॉडर्न नहीं होता. इसी तरह व्हाट इज द पेपर पैटर्न, ठीक है, इट्स इनकरेक्ट टू से व्हाट इज द पेपर पैटर्न, इट्स पेपर पैटर्न. ओके, बीजिंग होता है भिनभिनाना, बजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, बल्कि बिल्कुल वाजे नीली थी, जिसमें टिड्डियां एक खास तरतीब से इधर उधर भिन भिना रही थी. एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज, ट्रीज, दरख्त, बिल्डिंग्स, इमारतें, बुशेस, झाड़ियां, अर्थ, जमीन, वॉज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेस. ठीक है, मूविंग ब्राउन मैसेस, ठीक है. ब्राउन मैसेस का मतलब क्या है? मुतहर्रिक भूरे अजसाम. ठीक है, मूविंग ब्राउन मैसेस का ट्रांसलेशन क्या करेंगे? मुतहर्रिक भूरे अजसाम, यानी कि टिड्डियां. अच्छा, कहते हैं कि दरख्त, इमारतें, झाड़ियां, जमीन मुतहर्रिक भूरे अजसाम के नीचे ढकी हुई थी. हर चीज के ऊपर तो टिड्डियां थी बेटा, जमीन पर, बिल्डिंग्स पर, बुशेस पर, ट्रीज पर. अब बेटे इसको सुने, कहते हैं कि अगरचे शाम की फिजा ज्यादा सियाह और बोझल नहीं थी, बल्कि वाजे नीली थी, जिसमें टिड्डियां एक खास तरतीब से इधर उधर भिन भिना रही थी. इसके अलावा हर चीज, दरख्त, झाड़ियां, इमारतें, जमीन मुतहर्रिक भूरे अजसाम के नीचे ढकी हुई थी, यानी कि टिड्डियों से वो ढकी हुई थी. अजी इंपोर्टेंट पैराग्राफ है लास्ट वाला. बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को ही तरजीह दी. प्रीफर्ड, तरजीह देना, ये प्रेफर नहीं होता, इट्स प्रीफर्ड, फेवर्ड, सस्टेन होता फेवर्ड, प्रीफर. बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को ही तरजीह दी. आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी खेतों में चले गए. दोपहर के खाने के बाद आदमी खेतों में चले गए. एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज को दोबारा उगाना था. विद अ बिट ऑफ लक, अनदर वन वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे. खुशकिस्मती से टिड्डियों का दूसरा लश्कर गर्दिश करता हुआ इस तरफ नहीं आया.
खुशकिस्मती से टिड्डियों का दूसरा लश्कर सफर करता हुआ इस तरफ नहीं आया। अगर किस्मत ने साथ दिया तो टिड्डियों का दूसरा लश्कर गर्दश करता हुआ इधर नहीं आएगा। लेकिन बेहतर यही है, खुशकिस्मती से टिड्डियों का दूसरा लश्कर सफर करता हुआ इस तरफ नहीं आया। बट दे होप इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उन्हें जल्द ही बारिश होने की उम्मीद थी। तो स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, नई घास के उगने के लिए, लेकिन नई घास के उगने के लिए उन्हें जल्द ही बारिश होने की उम्मीद थी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे, बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे। कैटल कहते हैं मवेशी, इसका प्लूरल क्या होता है कैटल का? कैटल ही होता है, कैटल आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। कैटल्स कभी इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैटल्स नहीं होता, इट्स कैटल। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत पर घास का एक दिन का भी नहीं बचा था, ठीक है। लेकिन घास के दोबारा उगने के लिए उन्हें जल्द ही बारिश होने की उम्मीद थी, क्योंकि बसूरत दीगर मवेशी बच जाएंगे। खेत पर घास का एक दिन का भी नहीं बचा था। एज पर मार्गरेट, जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया, वो इस ख्याल से समझौता करने की कोशिश कर रही थी। ट्राइंग टू गेट यूज टू, समझौता करने की कोशिश कर रही थी। आप 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट के टिड्डियों का हमला 3 से 4 साल तक जारी रह सकता है। जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक है, वो इस ख्याल से समझौता करने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3 से 4 साल तक होता रहेगा। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर फ्रॉम नाउ ऑन, अब से टिड्डियां बुरे मौसम की तरह थी, बैड वेदर की तरह थी, ऑलवेज इमिनेंट, जिसका खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। अब से टिड्डियां बुरे मौसम की तरह थी, जिनका खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। इमिनेंट कहते हैं अनकरीब होने वाला, इम्पेंडिंग, नियर, क्लोज। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, उसने जंग के बाद अपने आप को बच जाने वाला महसूस किया, उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो जंग के बाद बच गई हो। इफ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल, डेवस्टेटेड कहते हैं तबाह शुदा, डिस्ट्रॉयड, रुइंड, और मैंगल का मतलब होता है तहस नहस, ठीक है, डिफॉर्म्ड, डिसफिगर्ड, रुइंड इसका सिनोनिम है। वॉज नॉट रुइंड, अगर ये तबाहाल और तहस नहस दही इलाका तबाह नहीं हुआ था, वेल व्हाट देन वाज रुइन, तो फिर क्या तबाह हुआ था? मुझे समझ आ रही है कि मार्गरेट ने इसके बारे में ना सोचने को ही तरजीह दी। दोपहर के खाने के बाद आदमी खेतों में चले गए, हर चीज दोबारा उगानी थी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो टिड्डियों का दूसरा लश्कर गर्दिश करता हुआ इधर नहीं आएगा। लेकिन उन्हें नई घास उगने के लिए जल्दी बारिश होने की उम्मीद थी। बसूरत दीगर मवेशी मर जाएंगे, क्योंकि बसूरत बारिश नहीं होती, क्योंकि घास का एक दिन का भी खेत में नहीं बचा हुआ। अगर बारिश नहीं होती, घास नहीं होगा, मवेशी मर जाएंगे। अच्छा जी, जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक था, इस ख्याल से समझौता करने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3 से 4 साल तक होता रहेगा। लोकस्ट टिड्डियां अब बुरे मौसम की तरह थी, जिनका खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। उसने अपने आप को जंग के बाद बच जाने वाला महसूस किया। अगर ये तबाहशुदा और तहस नहस दही इलाका तबाह नहीं हुआ था, तो फिर तबाह क्या हुआ था? तो ये पैराग्राफ अपने घर से लिखना भी, इसको याद भी कर। बट द मैन एट देयर सफर विद गुड एपीटाइट, लेकिन आदमियों ने खूब रगबत से खाना खाया, वो कहते ना पेट भरकर खाना खाए। इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था, वॉज व्हाट दे सेड, ये वो था जो उन्होंने कहा। इट कुड बी मच वर्स, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, इसके आपने पंक्चुएशन करनी है, ठीक है। वो कहते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था, यही कुछ था जो उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। बेटा देखिए, मच वर्स, तो एडजेक्टिव की जो फर्स्ट डिग्री होती है ना, उसके साथ हम वेरी लगाते हैं, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी टॉल, वेरी शॉर्ट, वेरी स्मार्ट, ठीक हो गया। विद डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी यूज वेरी, बट विद द सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी यूज मच, जैसे मच वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट होता है ना, तो वर्स इज द सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
तो सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाते हैं, मच। ही इज मच बेटर देन आई, ही इज मच बेटर देन आई। ठीक हो गया बेटा, तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। सी यू इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।